सर हो गया? यस सर। वेरी गुड। आइए सर, जिन बच्चों ने नहीं किया वो हमारे साथ देखें। एक्चुअली ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। और यहाँ पे सीधा सीधा एक तो उसने हिंट मेंशन किया हुआ ऑलरेडी, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है बेटे, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 minus tan theta. It is our left hand side. Change all the terms in sin and cos. तो tan हो जाएगा आपका sin theta by cos theta upon 1 minus cos theta upon sin theta plus cot theta will be cos theta by sin theta upon 1 minus sin theta upon cos theta, sin theta by cos theta. हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने टर्म्स को sin cos में चेंज करना होता है, उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन से खुद मिलेगा, और वो भी किस फॉर्म में मिलता है, आइदर टेक आउट द LCM, टेक आउट द कॉमन और अप्लाई अनदर फॉर्मूला लाइक दिस। तो यहाँ हमारे पास क्या है, अपर टर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो आपके पास लोअर टर्म्स हैं इनमें अब आप LCM ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर एज इट इज अभी भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बट इन डेनोमिनेटर आप ले सकते हैं LCM। तो LCM विल बी साइन थीटा, और यहाँ ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आफ्टर चेंजिंग द टर्म्स सिर्फ आपको करते जाना है। अब आप कह रहे थे लेंथी तो है, लेकिन बस ये है कि चलते जाइए, इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कॉस थीटा बाई साइन थीटा, आप फिर यहाँ पे LCM लीजिए। LCM क्या है, LCM कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन। अगेन अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो अब आप कर क्या सकते हैं, अब ये कर सकते हैं भाई, पहले तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जो होता है एक्चुअली क्या होता है, जब आप ऐसे डिवीजन होता है तो ये टर्म यहाँ आएगा और ये टर्म यहाँ आएगा, इसी तरह से ये इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब जब हम नीचे साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप इस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपसे कहा बेटे डेनोमिनेटर में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको एज ए फैक्टर की फॉर्म में ही रखना होता है। तो आप इसको कर दीजिए कॉस थीटा और इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास बीच में साइन प्लस का है, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कॉस को ऊपर कॉस में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे आपके पास क्या हो रहा है, नीचे आपके पास आ रहा है बेटे ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज लिख देना है साइन थीटा एंड इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन, ऐसे लिख देना। ये है हमारे पास। तो अब आप प्लीज चेक करेंगे, यहाँ से बस आपका क्वेश्चन चेंज होगा थोड़ा सा। अगर आपने इस चीज को ध्यान दे दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ इस लाइन पे आपको आके फोकस करना है। देखो मैंने बस लास्ट लाइन ही आपको दिखाई। क्या करना है कि LCM लेना है। LCM लेने के लिए कोई बच्चा बताएगा क्या LCM होगा? हाँ भाई, LCM में आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए बेटे, हमारे पास ये ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या मुझे आप बता सकते हैं इन दोनों ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है? इस वाले में माइनस कॉस थीटा और इस वाले में माइनस साइन थीटा। यस, एक है हमारे पास साइन माइनस कॉस और दूसरा है हमारे पास कॉस माइनस साइन। तो अच्छा ये है बेटे, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें से माइनस कॉमन ले ली। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। सब कुछ समझ में आई ये बात या नहीं आई? क्योंकि अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा और जो पहला वाला है वो भी साइन माइनस कॉस है, तो फिर एलसीएम लेना या कॉमन लेना आसान हो जाएगा। हाँ भाई, ये बात समझ में आई क्या? ये लॉजिक है बस इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा ये है बस स्टेप। हाँ भाई, सब बच्चों को समझ में आया कि हमने क्या किया? यस सर, यस सर। लेकिन अगर आप बेटे माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस से जो हमारा ये बीच वाला प्लस है ये माइनस का हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई? तो देखो मैं लिख के आ रहा हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये पहला वाला जो टर्म है ये एज इट इज रहेगा। बस अब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये सही से कर लिया तो क्वेश्चन इज होगा। आपने किया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आपने किया कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपने किया। और मैंने आपसे कहा प्लस माइनस हो जाएगा बेटे माइनस, और ये एज इट इज रहेगा बेटे कॉस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट मेरा चेंज हो चुका है और वो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताओ ये स्टेप सब कुछ समझ में आया क्या? सिर्फ माइनस कॉमन लेने की वजह से मिडिल वाला टर्म चेंज हुआ है, प्लस की जगह माइनस हो गया और ब्रैकेट हमारे दोनों सेम हो गए। अगर हमारे ब्रैकेट दोनों सेम हो गए तो अब आप एलसीएम लेंगे पूरे में से, नीचे सब में से। तो ध्यान से देखिए आप सब बच्चे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरा एज ए कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो दोनों में है। और प्लीज ध्यान से देखिए, हमारे पास कॉस थीटा अलग टर्म है और साइन थीटा अलग टर्म है, तो हमें कॉस थीटा भी लेना होगा और साइन थीटा भी लेना होगा। तो ये हमारा एलसीएम आएगा। अब हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि इस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर अलग टर्म्स होते हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। आप प्लीज जब भी इस तरह क्वेश्चन देखो तो आप ध्यान रखो, मान लीजिए हमारे पास 1/2 है और 1/3 है, तो आपको पता है एलसीएम होता है 6, तो मैं फिलहाल 2 × 3 लिख रहा हूँ। तो 3 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को यहाँ करना होता है। तो सेम एज इट इज हम साइन को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और फिर आपको कॉस को इस साइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बताओ ये स्टेप आया समझ में या नहीं आया? यस सर। भाई आ गया क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद बस यहीं तक करना था और कुछ नहीं करना था। अब आगे हमें कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं। बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है वेक्टराइज्ड फॉर्म में? a - b a² + b² वेरी गुड, वेरी गुड। आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइज फॉर्मूला लिखा है, दैट इज a - b देन a² + b² + ab। और हमारे पास क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बस। तो आपके पास क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बस बचा। तो फिर हमारे पास बचा क्या सर जी? हमारे पास ऊपर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आप जरा ध्यान से देखिए, आप सब बच्चे, जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है वो भी देखे हैं, जिनसे नहीं हुआ है वो भी देखे। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है भाई? इसमें 1 + sec θ × cos sec θ। प्लीज ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये वाली राइट हैंड साइड है तो इस राइट हैंड साइड में हो क्या रहा है बेटे? ओनली 2 टर्म्स हैं, 1 एंड sec थीटा cos sec थीटा, बीच में सिर्फ प्लस आ रहा है। तो देयर आर ओनली 2 टर्म्स, ठीक है। अगर 2 टर्म्स हैं और मैंने ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर दिया है तो ऊपर मेरे पास क्या बचा है? प्लीज ध्यान से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट में अभी 3 टर्म्स हैं, तो फिर इनको 3 नहीं रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 कर देना, ठीक है सर। अभी मैं चेंज करूंगा इसका राइट हैंड साइड, इसलिए समझाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया और प्लस में मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा रह गया। प्लीज ध्यान से देखिए, अपॉन में मेरे पास क्या है? मेरे पास है कॉस थीटा साइन थीटा, तो जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं एक तरह से, ऐसे ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या तो इससे नेक्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चलो नेक्स्ट में ही कर देते हैं। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, अब हम इनको ऐसे लिखेंगे 1/cos θ into sin θ and plus sin θ cos θ cos θ sin θ, ये हमारे पास होगा। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, 1/cos क्या होता है बच्चा, sec थीटा, वेरी गुड। और 1/sin क्या होता है, cos थीटा। और क्या ये दोनों कैंसिल हो गए या नहीं हो गए, तो हमारे पास आ गया 1 + sec θ cosec थीटा। दैट वाज आवर राइट हैंड साइड एंड आवर क्वेश्चन। बट अब जरा ध्यान से आप सब बच्चे देखिए, अगर आपके पास ये राइट हैंड साइड नहीं आता है, आपसे क्या कह सकता है बेटे, आपसे कह सकता है शो करिए 1 + tan θ + cot θ। आपसे कह रहा है शो करिए 1 + tan θ + cot θ। सेम क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड में मुझे 3 टर्म्स चाहिए, तो अगर 3 टर्म्स चाहिए तो मेरा कहाँ से आएगा ये, तो आ जाइए वापस यहाँ पे, जो हमारे पास लास्ट में हमारे पास रहा है बेटे। लास्ट में हमारे पास क्या रहा है, सबके सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में मेरे पास ये रहा है, ये रहा है बेटे sin² θ + cos² θ + sin θ cos θ अपॉन cos θ sin θ। मैं इसी को दोबारा से लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझा सकूँ। मेरे पास लास्ट में क्या रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ sin² θ + cos² θ + sin θ cos θ अपॉन, नोमान जाग रहे हैं आप डॉक्टर नोमान, हेलो, ये प्रॉब्लम होती है, कोई रिप्लाई नहीं करता जी। तो अगर हमारे पास 3 टर्म्स चाहिए तो ये हमारे पास आया। हाँ भाई समझ में आ रहा है हमने कहाँ से लिया ये वापस, आपने ब्रैकेट कैंसिल कर दिया। नाउ यू हैव sin² θ + cos² θ sin θ cos θ अपॉन cos θ into sin θ। तो वी नीड 3 पार्ट्स। तो अगर 3 पार्ट्स हैं तो इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेटे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा sin² θ + sin θ cos θ + sin θ cos θ + sin θ cos θ अपॉन sin θ cos θ। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस 3 टर्म्स। अब जरा चेक करके बताओ, इस साइन स्क्वायर से 1 पावर कैंसिल, इस कॉस स्क्वायर से 1 पावर कैंसिल एंड साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है सर? बताइए जरा व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, टैन थीटा। वेरी गुड बेटा जी। अब आप में से कुछ बच्चे पढ़ने लगे, एकदम से रेशो बता देते हैं आप लोग। व्हाट इज कॉस बाय साइन, कॉस कॉट, एंड लास्ट वन इज व्हाट, 1। So we have tan θ + cot θ + 1. So that was your third part of question number 5 from exercise 8.4. तो ठीक है, स्टेप्स ज्यादा हैं थोड़े से, बट ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। सबको समझ में आया? Yes sir. देखो अगर हमारा शायद और तो कोई पार्ट नहीं रहा ना,